नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़, मोती महल रेस्टोरेंट सेंट्रल बैंक के नीचे, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में दयाराम यादव अध्यक्ष पद पर तथा राजेश कुमार सिंह परासर मंत्री पद पर विजयी घोषित हुए। चुनाव परिणामों की घोषणा होते ही समर्थकों ने विजयी उम्मीदवारों को फूल मालाओं से लाद दिया। अध्यक्ष पद पर दयाराम यादव 673 मत पाकर विजयी हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ब्रजेश नंदन पांडे को 443 मत, ओम प्रकाश मिश्रा को 257 मत, प्रभाकर सिंह को 218 मत तथा जगदीश प्रसाद यादव को 37 मत प्राप्त हुआ। मंत्री पद राजेश कुमार सिंह ने 702 मत पाकर जीत हासिल की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जयप्रकाश यादव को 301 मत, अमरजीत राय को 243 मत, कृष्ण कुमार पांडे को 169 मत, रविंद्र कुमार यादव को 157 तथा हृदय नारायण सिंह को 47 मत मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर उपेंद्र नारायण राय 514 मत पाकर जीते। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जगदीश यादव को 343 मत मिले। इस पद के अन्य तीन प्रत्याशियों में मिर्जा रेहान कैसर को 355, परवेज अहमद को 273 तथा विजय बहादुर राय को 125 मत मिले। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के दो पदों पर पवन उपाध्याय 743 मत तथा राम मिलन चौहान 722 मत पाकर विजयी हुए। इस पद पर एक अन्य प्रत्याशी विजय कुमार उपाध्याय को 583 मत मिले। सहमंत्री के तीन पदों पर विकास तिवारी 689 मत, हरि नंदन राम 589 मत तथा सचिन सौरभ को 554 मत पाकर विजयी हुए। इस पद के अन्य प्रत्याशी प्रेम प्रकाश सिंह को 522 मत मिला। आशुतोष यादव को 477 मत, रत्नेश्वर कुमार पांडे को 454 मत, अमित कुमार राय को 446 मत, मोहम्मद मेहंदी को 323 मत, अखिलेश कुमार को 237 मत तथा अरविंद कुमार को केवल 89 मत प्राप्त हुआ। कोषा अध्यक्ष पद के लिए संतोष श्रीवास्तव 797 मत पाकर जीते। उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी महेंद्र यादव को 722 मत मिले। ऑडिटर पद पर अनिल कुमार 812 मत पाकर विजयी हुए। उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी कृष्ण कुमार राय को 739 मत मिले। कार्यकारिणी के छह पदों पर श्री प्रकाश लाल 1181 मत, अवध नाथ सिंह 1135 मत, राहुल राय 1081 मत, दुर्गा प्रसाद तिवारी 1030 मत, अरविंद नाथ मिश्रा 972 मत तथा गोविंद चौहान 972 मत पाकर चुनाव जीते। जबकि इस पद के अन्य प्रत्याशी रमाशंकर यादव को 837 मत पाकर सातवें नंबर पर रहे। इस पद के लिए कुल 7 प्रत्याशी मैदान में थे। कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए आशुतोष कुमार अस्थाना, नितेश कुमार सिंह, प्रेम सागर राय, मोहम्मद आसिफ, विपिन कुमारी गिरी तथा विशेष कुमार पांडे निर्विरोध निर्वाचित हुए। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिधारी ग्राम स्थित मायके में रह रही 27 वर्षीय विवाहिता का शव शनिवार की सुबह गांव के उत्तरी सिवान में मिलने से इलाके में हलचल मच गई। मृतका के शरीर पर चोट के निशान देख लोगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजी पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई। जानकारी के अनुसार सिधारी ग्राम निवासी सत्यदेव राजभर की 27 वर्षीय पुत्री प्रियंका की शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व मऊ जिले के चिरैयाकोट कस्बा निवासी शशिकांत राजभर के साथ हुई। शादी के एक वर्ष बाद मार्ग दुर्घटना में घायल होकर शशिकांत अपाहिज हो गया। कुछ समय बाद प्रियंका अपने 3 वर्षीय पुत्र प्रियांशु के साथ अपने मायके में रहने लगी। शनिवार को तड़के गांव के उत्तरी सिवान की ओर गए ग्रामीण वहां संदिग्ध हालत में मिले प्रियंका का शव देख दंग रह गए। इसकी सूचना महनगर थाने को दी गई। घटना की जानकारी पाकर एसपी सिटी व सीओ लालगंज मनोज रघुवंशी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मृतका के गले और शरीर पर चोट के निशान देख दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका का एक छोटा भाई है जिसकी शादी नहीं हुई। मृत प्रियंका सत्यदेव की बड़ी पुत्री थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
परिजनों ने गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की है। मतलब शाम को लोग बनाए खाए 9 बजे के बाद, अपने खाओगे सब सो रहे हैं, सो गए, तो इसके बाद अब पता नहीं वो लड़की कैसे कहाँ चली गई। अब सुबह जाके अब ताल में देखे तो लाश पड़ी है। क्या शंका हो जताया जा रहा है? शंका है कि कोई इसको मारा है, कोई जान से मारा है, कोई गला दबा दिया है, गला पर निशान है, कोई जान से मारा, गांव का लगता है मारा है। हत्या के साथ कुछ और भी आरोप लगाया जा रहा है, क्या है? जैसे कि रेप का कुछ आरोप था, पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। अब थाना मेहनगर अंतर्गत सिधारी गांव के पास आज सुबह पुलिस को सूचना मिली, एक महिला की डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मेहनगर, सीओ लालगंज और एसपी सिटी को तत्काल मौके पर भेजा गया। मौके पर जाने पर ये जानकारी हुई कि एक महिला प्रियंका राजभर, जिनकी उम्र लगभग 30 साल है, शादीशुदा महिला है, ये इन्हीं की डेड बॉडी थी। ये अपने मायके में रह रही थी कुछ सालों से, और कोई जाहिरा चोट पुलिस को डेड बॉडी पर नहीं मिली, इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया। डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण पोस्टमार्टम से स्पष्ट होगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। घटनास्थल के निरीक्षण से प्लस जो घर का निरीक्षण है, जहां ये जो मृतक जहां की रहने वाले, निरीक्षण से कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं। पहला ये कि गांव के एक व्यक्ति के साथ इनका संबंध था, जिसके संबंध में पुलिस को एक एफिडेविट भी वहां से मिला है। उसके साथ साथ इनके पर्स से एक फोटो और एक कीटनाशक की पुड़िया, ये पुलिस ने बरामदगी मौके से की है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अन्य जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं, उनके आधार पर जो रिपोर्ट सामने आएगी, उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर की अध्यक्षता में तहसील बुरहानपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 136 मामले आए, जिसमें से 15 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 121 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामले में राजस्व के 68, पुलिस के 27, विकास के 17 तथा अन्य के 24 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र हैं, उसे जल्द से जल्द 100% निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जनसमस्या का वास्तविक निस्तारण कर दें। विकास भवन के वरिष्ठ लेखाकार स्वर्गीय अंजनी कुमार श्रीवास्तव की प्रथम पुण्यतिथि उनके शहर के रैदोपुर स्थित आवास पर 24 घंटे के रामायण पाठ के बाद गरीबों को भोजन कराने के उपरांत कंबल वितरण कर सादगी से मनाई गई। इस अवसर पर परिजनों के साथ ही उनके सहयोगियों और शुभचिंतकों ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि स्वर्गीय श्रीवास्तव जी का निधन 17 दिसंबर 2020 को अपनी बड़ी बेटी शिवाली की शादी के उपरांत हार्ट अटैक से हुआ था। परिवार में उनकी पत्नी मंजुला अस्थाना, जो वर्तमान में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, पत्नी मंजुला, बेटी शिफाली श्वेता और पुत्र यश की इच्छा अनुसार ठंड के मौसम को देखते हुए स्वर्गीय अंजनी श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर परिवार के सभी सदस्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही लगभग 100 गरीबों को भोजन कराकर कंबल का वितरण किया गया। जिले के जहानगंज क्षेत्र के धरवारा गांव में स्वर्गीय विजय बहादुर श्रीवास्तव के घर 21 जुलाई 1964 को जन्मे अंजनी कुमार श्रीवास्तव बचपन से ही मेधावी छात्र रहे। डीएवी कॉलेज से बीकॉम करके 1986 में चयनित होकर विकास भवन में लेखाकार के पद पर 34 साल सेवा दी। 54 वर्ष की कम उम्र में उनका सामयिक निधन हो गया। स्वर्गीय श्रीवास्तव की पत्नी मंजुला अस्थाना ने बताया कि सेवा काल में रहते हुए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले स्वर्गीय अंजनी श्रीवास्तव के सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हम परिजनों ने प्रथम पुण्यतिथि पर धार्मिक कार्य और गरीबों की सेवा करके उन्हें याद किया। उन्होंने बताया कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने के उपरांत उन्हें कंबल वितरित किया गया।
मंजुला अस्थाना का ये भी कहना है कि आगे भी वो अपने पति की पुण्यतिथि के अवसर पर इस तरह का आयोजन करती रहेंगी। इस मौके पर परिवार के सदस्यों में छोटे भाई संजीव श्रीवास्तव, दामाद आकाश अस्थाना, मंजू श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, आर के वमार, मधुबाला वर्मा, गीता श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, सीमा श्रीवास्तव, मधुकर श्रीवास्तव, पूज्य गुरु डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर अशोक, मोनिका अस्थाना सहित शिक्षा विभाग को विकास भवन कर्मचारियों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में गरीबों को कंबल बांटना और उनको भोजन कराना, यही हम लोगों ने संकल्प लिया था। पूरे परिवार ने मिलकर के इनकी पुण्यतिथि पे हम गरीबों को कंबल बांटेंगे और उनको भोजन कराएंगे। हमारे पति यहाँ विकास भवन में लेखाकार थे और मेरी इनसे शादी 18 मई 1989 को हुई थी और ये हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते थे। इसलिए मैंने ये संकल्प पूरे परिवार ने लिया कि इनकी पुण्यतिथि पे गरीबों को भोजन करा करके और उनको कंबल वितरित किया जाए, क्योंकि इस समय ठंड बहुत पड़ रही है, ये गरीबों की जरूरत है। इसी के साथ इनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। अखबार आम आदमी की आवाज़ होता है और लोगों के लिए खुला मंच, ये बातें नेशनल कवरेज समाचार पत्र समूह के समूह संपादक आशुतोष द्विवेदी ने जर्नलिस्ट क्लब के कार्यालय पर नेशनल कवरेज अखबार के रिलॉन्च के मौके पर कहा। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर जनपद के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल कादिर बागी और सबसे वरिष्ठ छायाकार एस के दत्ता को शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेशनल कवरेज समाचार पत्र का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर अब्दुल कादिर बागी ने कहा कि समाचार पत्र समाज का दर्पण है, इसमें सभी का अक्स वैसा ही दिखाई देता है जैसा जमीन पर होता है। इसी क्रम में एस के दत्ता ने कहा कि आज की पत्रकारिता पीड़ादायक तो है, लेकिन लोगों का दुख दर्द दूर करने की क्षमता भी मीडिया में ही है। जनपद में अपनी तरह का अनोखा और अनूठा आयोजन है ये रहा कि जिला मुख्यालय के सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने मिलकर नेशनल कवरेज समाचार पत्र को समाज को लोकार्पित किया। इस अवसर पर एबीपी न्यूज के जिला संवाददाता डॉक्टर खुर्रम आलम नुमानी, सचिन श्रीवास्तव, रत्न प्रकाश त्रिपाठी, मनोज जायसवाल, संदीप उपाध्याय, महेंद्र सिंह, सौरभ उपाध्याय, वेद प्रकाश सिंह लल्ला, विनोद सिंह, दिनेश श्रीवास्तव, अजय मिश्रा, गौरव श्रीवास्तव, प्रदीप यादव, शरद गुप्ता, राजीव रंजन, हेमेंद्र सिंह हीरू, उमेश राय, विदेंद्र शर्मा, दवेंद्र श्रीवास्तव, रत्नाकर दुबे, विनीत सिंह आदि मौजूद रहे। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने नेशनल कवरेज अखबार को लॉन्च किया था 2015 में। एक सफल यात्रा रही 5 वर्षों की, लेकिन बीच में कोविड का काल आने से और चूंकि अन्य स्टेट्स में पहुंचने की गाड़ियां बंद हो गई थी, रेलें बंद हो गई थी, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आ गई थी। तो ये अखबार को बीच में थोड़ा सा एक साल का ब्रेक हो गया था। फिर से जब दोबारा से इसको रीलॉन्च किया हम लोगों ने, तो इसके पीछे ये है कि अब मंडल मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश में इसको हम अलग अलग जगह लॉन्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये इसका प्रसार ज़मीनी स्तर का जो समाचार होता है उसके उस पर हमारा फोकस रहेगा। और आजमगढ़ मंडल में आज हमने इसको लॉन्च किया है। आगे 22 तारीख जो 3-4 दिन बाद आने वाली है, उस दिन हम इसको बनारस में लॉन्च कर रहे हैं और लखनऊ में भी नए साल पर इसको लॉन्च करेंगे। तो इस क्रम में आज एक पत्रकार जो आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर सभी सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ मिल करके इसको एक परिवार की खुशी के तौर पर देखते हुए, एक साझा मंच और खुले मंच को सामने रखते हुए, ताकि इसमें सब विचार आए और ये अखबार ज़मीनी स्तर पर आजमगढ़ मंडल मुख्यालय के आजमगढ़, मऊ और बलिया जनपद के विभिन्न तहसीलों और गांवों तक पहुंचे, लोगों की समस्याओं को उठाए और उनकी समस्याओं के समाधान में एक साधन का काम करे। साप्ताहिक रहेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आएगा? देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी पहले से ही नेशनल कवरेज का एक यूट्यूब चैनल है जो 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ चल रहा है, वेबसाइट भी है और अब वीकली ये अखबार आया है। और आगामी 14 जनवरी के बाद हमारा ये मानना है कि ये हम लोग डेली अखबार के रूप में इसमें काम करने की कोशिश करेंगे। अभी एडिटोरियल टीम बना रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं, करेस्पॉन्डेंट्स बना रहे हैं। एक बड़ा काम है, एक बड़ा कारवा बनाने के थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, हम लोग कर रहे हैं और अगले साल निश्चित रूप से इसको डेली अखबार के तौर पर लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
कि जब से मैं मीडिया में हूँ, प्रिंट मीडिया में हूँ, और प्रिंट मीडिया का महत्व कभी भी खत्म नहीं होने वाला। प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा रहेगा, क्योंकि दस्तावेज के रूप में, गजट के रूप में ये प्रिंट मीडिया ही रहती है। और आज फिर से जो रिलॉन्चिंग हुआ है नेशनल कवरेज, इसके जो संपादक हैं आशुतोष द्विवेदी जी, ये हमेशा नया नया काम करते हैं। नेशनल कवरेज का जो इनका चैनल चलता है, उस चैनल के जरिए माध्यम से और अखबार के माध्यम से जो आज निष्पक्ष पत्रकारिता है, जबकि वो पत्रकारिता खत्म हो चुकी है राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल स्तर पे वो निष्पक्ष पत्रकारिता खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी गांव देहात जिलों में वो निष्पक्ष पत्रकारिता आज भी है। और आज जन समस्याओं की बात जहाँ तक होगी तो जन समस्याएं यही अखबार उठाते हैं, नेशनल अखबार। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक व नगर पालिका आजमगढ़ के अनुज गुप्ता, रेवेन्यू इंस्पेक्टर व उनकी टीम के सहयोग से आए दिन सड़कों पर जानवरों से हो रही दुर्घटना, जिसमें जन मानस की दुर्घटना में जनधन की हानि होती है तथा बड़े वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त होकर आए दिन गोवंश की भी मृत्यु होती है, को दृष्टिगत रखते हुए बलैसा ओवर ब्रिज से कुटवा तक सड़कों पर घूम रहे गाय सांड को पकड़कर नगरपालिका गौशाला डीएवी भिजवाया गया तथा कोहरे व रात में बिना रिफ्लेक्टर टेप के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैक्टर ट्राली बस ट्रक जीप व बिना रिफ्लेक्टर टेप लगे वाहनों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टर टेप लगवाया गया तथा परिवर्तन की कार्रवाई करते हुए बिना नंबर प्लेट व गलत नंबर प्लेट लगाए वाहन व बिना हेलमेट सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले 55 वाहनों का ई चालान किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों सांडों के आतंक के चलते मुख्य चौक पर कई लोग घायल हुए थे, तो वहीं कई लोगों की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। स्थानीय व्यापारियों व लोगों के आक्रोश के बाद ये अभियान चलाया गया है। पुराने पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। पिछले डेढ़ दशकों से भी अधिक समय हो जाने के बावजूद उन्हें पुराने पेंशन का लाभ न दिए जाने और जबरदस्ती एनपीएस थोपे जाने पर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है। खासकर शिक्षकों ने जब आंदोलन की बागडोर संभाल ली है और ब्लॉक स्तर से अपने धरने की शुरुआत कर दी। शिक्षकों ने नियोजित तरीके से आंदोलन का शंखनाद किया है और इस क्रम में शनिवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की और इसके समर्थन में नारे बुलंद किए। ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद लाल श्रीवास्तव, मंत्री सतीश कुमार सिंह, कोषा अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह की अगुवाई में आयोजित इस धरने में संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शामिल रहे। उन्होंने एनपीएस की खामियां और ओपीएस की विशेषताओं का वर्णन किया, साथ ही जिला स्तर पर आयोजित होने वाले 27 दिसंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। सुलभा राय, वंदना सिंह, प्रियंका श्रीवास्तव, गीता गौतम, प्रमोद कुमार दुबे सहित तमाम शिक्षकों ने कहा कि नौकरी की आत्मा पेंशन है, जिसे खत्म करना नौकरी को खत्म करने जैसा है। पेंशन सरकारी कर्मचारियों का हक है, जिसे वे लेकर रहेंगे। इस संदर्भ में उन्हें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं तो वह कुर्बानी देने को तैयार हैं। धरने के उपरांत सठियाओं ब्लॉक इकाई ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने ज्ञापन के जरिए राज्य में कार्यरत संविदा शिक्षकों जैसे शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को अतिशीघ्र स्थायी किए जाने, 1 दिसंबर 2008 के बाद प्रोन्नति प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को 17,140 न्यूनतम वेतनमान, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक को 18,150 न्यूनतम वेतनमान की विसंगति दूर की जाए, प्रदेश के शिक्षकों को कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए, मृतक आश्रित के पालियों को योग्यतानुसार नियुक्त प्रदान किया जाए, मृतक आश्रित नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को योग्यतानुसार उचित पद पर नियुक्त किया जाए, प्रदेश के शिक्षकों को यथाशीघ्र पदोन्नति प्रारंभ की जाए, प्रदेश के शिक्षकों के जनपद के अंतर्गत
स्थानांतरण प्रक्रिया अतिशीघ्र प्रदान किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। यह जानकारी सहायक अध्यापक नागेंद्र वर्मा ने एबीसी न्यूज को दी। सगरी तहसील पर शनिवार को मानपुर विकास खंड बिलरियागंज के दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों के किरदार शर्मानंदो द्वारा राशन नहीं दिए जाने पर जमकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी सगरी को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्ट कोटेदार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कई आरोप लगाए। वहीं दोपहर के 12 बजे करीब ट्रैक्टर ट्राली आदि से गांव पर एकत्र होकर दर्जनों की संख्या में महिलाएं पुरुष तहसील पर पहुंचकर एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन करते हुए कोटेदार पर आरोप लगाया कि कोटेदार गरीबों का राशन 7 महीने से खा जा रहा है और जाने पर गेट बंद करके अभद्रता गाली गलौज और मारपीट पर आमादा हो जाता है और भगा देता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यदि कोटेदार को बर्खास्त नहीं किया गया तो हम लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य होंगे। ग्रामीणों की शिकायती प्रार्थना पत्र पर तहसील दिवस अधिकारी उपजिलाधिकारी सगड़ी द्वारा एक सप्ताह में पूर्ति निरीक्षक से जांच करके आख्या देने को कहा। सभा मानपुर विकास खंड बिलरियागंज से लोग आए हुए हैं। इनकी कोटेदार के खिलाफ शिकायत है कि इनसे दुर्व्यवहार किया जाता है और शायद इनको वो राशन पूरा नहीं दिया जाता है। हमने प्रार्थना पत्र ले लिया, हम स्वयं जांच करवाएंगे इसकी। सर आपके द्वारा किस स्तर से जांच की जाएगी? मेरे द्वारा अगर सप्लाई इंस्पेक्टर को भी भेजा जाएगा, अगर वो लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो किसी और उचित अधिकारी से जांच कराई जाएगी और जो भी होगा अगले तहसील दिवस से पहले इनका प्रकरण निस्तारित किया जाएगा। क्योंकि हम लोग का गरीब आदमी है, हम लोग का कोई राशन नहीं मिलता, बहन बेटी हमारी जाती तो अटपट को जबान गाली देते हैं। कोटे का शिवानंद शर्मानंद, दो भाई ऐसे ऐसे लोग रहे ना, तो ये शर्मानंद है और उसके बाद इतना बढ़िया रो पार्क बनवाए कि अंदर से बाहर से गेट बंद कर देंगे, अंदर से अंदर में जो भी हमारी बेटी बहनी जाती है जो भी उनको मन में आता वही कहते हैं तुम नहा करने आती है तुम ऐसी हो तो जो करना हो जो कर ले, यही सब लोग बोलते हैं। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे है कि वहाँ से कोटा निरस्त किया जाए। अच्छा, आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या करेंगे? हम धरना पर बैठेंगे, हमारे जो समझ में आएगा हम अपना करेंगे, मगर हम लोग उनके पास राशन लेने नहीं जाएंगे। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस के चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, आईसीयू, आईसीसीयू, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में। यूएसए, लंदन, बहरेन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट, वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़।